भागलपुर जिले में 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में लोकसभा चुनाव होने वाला है। इस दौरान मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवलशोर चौधरी लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिले के कई इलाकों से मतदान बहिष्कार किए जाने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी व एसएसपी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक का आयोजन समीक्षा भवन में किया और अधिकारियों को मतदान बहिष्कार किए जाने वाले क्षेत्र में जाकर आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान डीएम ने आम लोगों से मतदान की सही पहचान करने की बात करते हुए कहा कि आपका एक एक वोट आपके इलाके में विकास की इबादत लिख सकती है। वहीं डीएम नवलकिशोर चौधरी ने यहां तक कहा कि अगर आपको नेता पसंद नहीं है तो नोटा में बटन दबाइए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि संगठित रूप से मतदान का बहिष्कार किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीनियर एसपी ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति लोगों को मतदान बहिष्कार के लिए प्रेरित करते दिखेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने इसको एक न्यूसेंस के रूप में क्रिएट करने का प्रयास किया है। वैसे आपको मैं अवगत करा दूं कि जितने भी विकास कार्य हैं, आम जनता से मैं हमेशा मिलता हूं, वो आकर के हमारे पास प्रपोजल दें, उनकी कोई मांग है वो मांग रखें, हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे कि उस मांग के हिसाब से तदनुसार जो उचित कार्रवाई है हम लोग उसको करेंगे। लेकिन मैं आम जनता से अनुरोध करूँगा कि कभी भी किसी के बहकावे में नहीं जाएं और इस तरीके की बातें, जो वोट बहिष्कार की बातें, एक नादानी है। मैं कहूँगा कि वो एकजुट होकर के सभी लोगों को एक एक मतदाता को घर से निकाल करके अपनी मर्जी के हिसाब से वोट करें और जिस दिन किसी भी बूथ का वोटिंग परसेंटेज आपको 85 से अधिक हो जाता है तो निश्चित रूप से जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे उनके इलाके में जा करके पूछेंगे कि भाई आपकी ज़रूरत क्या है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। यदि वोटिंग प्रतिशत किसी इलाके का कम रहेगा तो वहाँ कभी भी जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनकी वो लिस्ट प्रायोरिटी का टोला रहेगा, लिस्ट प्रायोरिटी का मोहल्ला रहेगा, वहाँ कभी नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए मैं आम लोगों से अनुरोध करूँगा, आम जनता से, कि अपनी वोट की शक्ति को दिखाएँ और अपना वोटिंग प्रतिशत बूथ पर बढ़ाएँ ताकि हर राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जा करके वहाँ विकास की बात भी कर सकें और उस इलाके का विकास कर सके। किसी वोट को किसी भी प्रकार से प्रभावित करना नकारात्मक रूप में, चाहे वो किसी एक व्यक्ति को वोट देने के लिए कुछ लालच देना या किसी को डरा कर वोट नहीं देने देना या किसी को उकसा कर, तो यह भी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और अन्य सेक्शंस हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में, उसका वायलेशन है और उसके अनुसार जो है विधि सम्मत कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। लोकसभा के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव को लेकर भागलपुर में नामांकन की प्रक्रिया चालू है। भागलपुर में हालांकि अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ है, लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय नामांकन कराने कहलगांव से विलम्ब से पहुंची रूपम कुमारी का नामांकन नहीं हुआ और उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद रूपम कुमारी, उसके पति धनंजय कुमार मंडल और उसके समर्थक काफी आक्रोशित दिखे। उनका कहना है कि 4 घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण वो सही समय पर नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचे। रूपम कुमारी ने जिला निर्वाची पदाधिकारी अधिकारी से यह अनुरोध भी किया कि जाम के कारण उन्हें विलंब हुआ है, इसलिए उन्हें नामांकन करने दिया जाए, लेकिन समय समाप्त होने के कारण उन्हें नामांकन करने नहीं दिया गया। जिस पर नामांकन करने पहुंची प्रत्याशी रूपम देवी और उनके पति धनंजय मंडल ने कहा कि जाम के कारण वो समय पर नामांकन नहीं करा पाए, इसके लिए जिला प्रशासन दोषी है, पहले जिला प्रशासन जाम से निजात दिलाए फिर समय पर नामांकन किए जाने की बात करें। जाम लगा हुआ था और यहाँ हम आए, यहाँ बोला कि टाइम ओवर हो गया, अब नहीं नॉमिनेशन होगा। हाँ, नॉमिनेशन देने के लिए आए थे, लोकसभा का प्रत्याशी हूँ मैं, रूपम देवी, मैं यहाँ नॉमिनेशन देने आई थी और जाम हो गया, 2 बजे से जाम में ही फंसी हुई हूँ। कहाँ जाम लगा था? कहलगांव से लेकर यहाँ घोघा तक जाम इतना रहता है, ओवरलोडिंग रहता है, ये सब पे क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? यहाँ क्या बोला? यहाँ बोला कि नहीं हो गया टाइम, अब नहीं होगा। यहाँ पे सर सब बोले कि अब नहीं बैठेंगे, अब 5 बज गया, 6 बज गया, अब बताइए 5 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं तो क्या ये डीएम साहब नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे? हम लेडीज होकर यहाँ आए और ये चीज नहीं होना चाहिए हम लोगों के लिए। इतना क्या लगता है आप हमको पूछना है? क्या लगता है मतलब हमको क्या लगे? हमको कष्ट हो रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है कि जाम के कारण से तकलीफ हो रहा है। इतना धूल मिट्टी से हम यहाँ आए और मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? कहाँ घर हुआ? आमापुर का घोघा पड़ता है मेरा घर और कहलगांव में मैं रहती हूँ।
और मैं कष्ट से आई हूँ और आज अधियम साहब उठ गए, क्यों मेरे लिए बैठ नहीं सकते थे? वो नारी का यही है, नारी का इज्जत क्या करते हैं आप लोग? नारी का इज्जत करना कौन करेगा इज्जत, बताइए तो? या तो जाम हटवाए, या तो उतना जो धूल मिट्टी उड़ रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है, वो सबको हटवाए, वो सब ठीक करे। ओवरलोडिंग ट्रक के कारण रोड जाम रहता है, एनटीपीसी का फ्लाईएश जो है। क्या हुआ? आज ही जो है आने के क्रम में हम लोग 1 बजे ही कालगांव से चले हैं, पूरे रास्ता जो है कि ओवरलोड ट्रक के कारण एक तो धूल भी उड़ता है, फ्लाईएश जो है कि ट्रक से गिरता है, आंख में सभी को धूल उड़ता है फ्लाईएश का। नॉमिनेशन हुआ आज? नहीं, नॉमिनेशन नहीं हुआ, जाम के कारण नहीं हुआ। काफी जाम है, 2 घंटा जाम में फंसे हैं। अब महिला है, बच्चा है, सभी आए थे। नॉमिनेशन हम सबको यही कहेंगे, ओवरलोडिंग ट्रक के कारण जो जाम होता है इस पे कुछ अंकुश लगाएं। भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी छोटे लाल सा भागलपुर से सांसद पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अपने शहर के विकास में काफी गिरावट आई है, उसे दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क से लेकर भागलपुर में हवाई सेवा अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, उसे मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। जितने नेता अपनी डफली बजाते हैं वो सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, लेकिन मैं निर्दलीय भागलपुर से सांसद पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं छोटे लाल ने शहरवासियों से भारी बहुमत से जीत दिलाने की भी अपील की। हमारा चुनाव का उद्देश्य है भागलपुर का विकास। अभी तक आप देखेंगे कि भागलपुर का विकास आपको नग्न नजर आएगा। जो व्यवस्था पहले थी, पहले की व्यवस्था में अभी गिरावट हो चुकी है। तो मुख्य मुद्दा है हमारा शिक्षा, शिक्षा को विकसित करना, स्वास्थ्य को विकसित करना, यहाँ के उजड़े हुए कल कारखाना और उद्योग उसको विकसित करना। और अभी तक 70 वर्ष हो गया, हवाई अड्डा नहीं आया है, हवाई अड्डा को धरातल पर उतारना और ऐसे बहुत सारे ज़रूरत है भागलपुर को। बहुत सारे पुल पुलिया हैं, ओवरब्रिज है, ये सबको धरातल पर उतारना हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। नहीं, पार्टी का कुछ राष्ट्रीय पार्टी जो है वो तो नहीं चाह रही है, चूँकि उसका उम्मीदवार खुद मैदान में है। कुछ पार्टी है जो कि हमको देना चाहती है टिकट, लेकिन उनका कुछ शर्त है, तो वो हमको शर्त उनसे अभी तक जचा नहीं है। अगर बिना शर्त का वो मन हमको टिकट देने के लिए तैयार है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, इसे हम निर्दलीय लड़े। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पटलबाबू रोड स्थित एक स्थानीय होटल में जीवन बचाने वाले योद्धा वाहन संचालक वाहन चालक के लिए वाहन चालक नोबेल पुरस्कार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वैसे वाहन चालकों का सम्मान किया गया जो लगातार 10 वर्षों में किसी बड़े दुर्घटना को अंजाम नहीं दिया हो, अपनी सवारी को सही सलामत अपने गंतव्य पहुँचाने का कर्तव्य निर्वहन अपनी सजगता एवं यातायात के नियमों के पालन करते हुए कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि रोज करोड़ों लोग किसी न किसी वाहन खास करके पहिया वाहन से कहीं न कहीं अपने गंतव्य को जाते हैं, उसमें यदि वाहन चालक सजग नहीं होता है तो यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है तो कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राइवर के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है और घर में कोहराम मच जाता है। दूसरी तरफ लाखों ऐसे ड्राइवर है जो सजग है, जागरूक है, कर्तव्यनिष्ठ है एवं यातायात के नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाते हैं और अपने वाहन में सवार व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक सही सलामत पहुंचाते हैं। यह छोटी बात नहीं है। ऐसे सजग ड्राइवरों का सम्मान समाज के द्वारा किसी संगठन के द्वारा कभी नहीं किया जाता, लेकिन जीवन जागृति समिति जो सड़क दुर्घटना के लिए काम करती है, सड़क दुर्घटना को कम करने के लगातार प्रगतिशील रहती है, उन्हें ऐसे ड्राइवर चालकों को जो स्वयं अपने कर्तव्य को समझते हैं, जान की कीमत उन्हें पता है, उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया ताकि उनमें उत्साहवर्धन हो और ज्यादा से ज्यादा चालक नोबल ड्राइवर चालक की श्रेणी में आए ताकि जो भी दुर्घटनाएं होती है वो कम से कम हो। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। सम्मान समारोह में चालकों को सम्मानित किया गया। बहुत पहली बार मतलब मिला है जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से डॉक्टर जय सिंह के द्वारा, मतलब बहुत अच्छा लगा ये सब मिलके। आज तक कभी नहीं दिया था कोई आदमी जी, कभी नहीं दिया था, आज पहला बार मतलब अजय बाबू की तरफ से मिला जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से। बहुत खुश है, बहुत खुश है। स्वागत समारोह हम लोग का जो हुआ है ड्राइवर लोग का, बहुत खुश है। ऐसा कभी नहीं हुआ था भागलपुर में या कहीं भी, दिल्ली में ही चला है, कभी नहीं हुआ था इधर। बहुत खुश है स्वागत समारोह से, खास कर जी बहुत धन्यवाद दे रहे हैं स्वागत समारोह का, जो किए हैं हम लोगों के लिए ड्राइवर के लिए, कभी कोई नहीं किया था आज तक, इससे बहुत खुश है। बहुत अच्छा सम्मान मिला है और बहुत अच्छी तरह से सबको सम्मानित किया गया सर। ड्राइवर को लाइफ में पहली बार सम्मानित मिला है, बहुत खुश। डॉक्टर साहब तो हमको बहुत सम्मान दिए, हम बहुत दिन से गाड़ी चला रहे थे, आज हमको सम्मानित किए हैं, डॉक्टर साहब का धन्यवाद। सोसाइटी की तरफ से वाहन चालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसमें डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का पूरा योगदान है, उन्हीं का श्रेय है, उन्होंने ये आयोजित किया। हमको सूचना मिली कि चालक जो 10 वर्ष से लगातार किसी ऑनर के यहाँ हैं और लगातार सेवा में बने हुए हैं, अच्छे चाल ढाल के साथ और पूरा सुरक्षित परिचालन कराए हैं, उनके लिए हम लोगों ने उनके सम्मान समारोह के एक व्यवस्था किया है। तो इससे क्या होगा कि जो चालक संवर्ग के लोग हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनके मन में एक बहुत बड़ी आशा की किरण जाती है कि लोग को, हम लोगों को भी सम्मान दिया जाता है, और इन लोगों को देख के और जो दूसरे चालक हैं उसको अपना सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए, अपने आप को उसमें स्थापित करने के लिए अच्छे चालक के तौर पे, अच्छी बात जाएगी, अच्छी पहल है, धन्यवाद। करीब इसमें 30 ड्राइवरों को सम्मानित किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य है कि वर्षों से कोई चालक अपने वाहन मालिक के पास रहता है और बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ, सजगता के साथ, यातायात के नियम के पालन करते हुए वो गाड़ी चलाता है, लेकिन समाज के द्वारा सम्मान कोई मन से उसको नहीं दिया जाता है। तो जीवन जागृति सोसाइटी जो लगातार दुर्घटना पर काम करती है उसको कम करने के लिए चेष्टा करती है, जीवन बचाने का काम करती है, तो हमने सोचा कि यही चालक हैं जो सैकड़ों और लाखों नहीं करोड़ों जो लोगों की जान बचा रहे हैं, यहाँ से वहाँ रोज़ जाते हैं और सैकड़ों लोग जाते हैं, सैकड़ों नहीं करोड़ों लोग जाते हैं और इनका वो अपने गंतव्य पर पहुँचाते हैं, ये सम्मान के हकदार हैं, और इसीलिए आज होटल स्टॉल पार्क में इनका सम्मान समारोह किया गया और इन लोगों को हम लोग कृतज्ञता बस इनको शॉल उड़ाकर और मेडल देकर हम लोगों ने सम्मानित किया, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से सम्मान समारोह से जो शायद भारत में पहली बार हुआ होगा, और जगह इसका सम्मान समारोह होगा और लोगों के चालक में उत्साहवर्धन होगा और उनमें सजगता बढ़ेगी और गाड़ी सुरक्षित तरीके से चलाएंगे।
नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में नवगछिया एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थानाध्यक्ष भवानीपुर को सूचना मिली थी कि बहियार गंगा देरा क्षेत्र में बने अपने बासा में इंदु यादव अपने गिरोह के सदस्यों के साथ इकट्ठा होकर डकैती की योजना बना रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देशन में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इंदु यादव मौजमा बहिया गंगा देरा में बने बासा का घेराबंदी कर मुस्खार का तलाशी लेने पर डकैती की योजना बना रहे कुल 8 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में हथियार एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में भवानीपुर थाना द्वारा सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी दल में शामिल पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। जी कल रात को हमें देर रात 3 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि भवानीपुर में कुछ अपराधी इकट्ठे होकर के अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी क्रम में एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें थाना अध्यक्ष भवानीपुर थे। इनके द्वारा रेड करके 2 राइफल 3.315 बोर का 21 गोलियां एवं 3 देशी कट्टा बरामद किया गया है। इसी क्रम में 8 लोगों को इंदु यादव के बासा से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग सर किस तरह का योजना बना रहे थे इतने हथियार? देखिए भारी मात्रा में हथियार लेकर के ये लोग कुछ अपराध करने की योजना बना रहे थे जो भी अनुसंधान के क्रम में आएगा। इसका आपराधिक इतिहास रहा है? जी नहीं, इसका पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु इनमें 7 अपराधी जो है वो अन्य जिले से हैं। एक अपराधी इंदु यादव यहाँ नवगछिया का था, अन्य जिलों से भी उनका आपराधिक इतिहास पता करवा रहे हैं। ये लोग आया क्यों था सर, इकट्ठा क्यों हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग अपराध की योजना को अंजाम देने के लिए देर रात इकट्ठा हुए थे इंदु यादव के वास्ते पर। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो भी टीम थी उनको पुरस्कृत किया? जी बिल्कुल, भवानीपुर एसएचओ को पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी टीम में जो भी सदस्य थे उन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। ये सर किस तरह के हथियार हैं जो इनके पास मिले? कई लूटे हुए हैं या बनाए हुए? 3 जो देशी कट्टे हैं, 2 राइफल, इन राइफल के बारे में पता लगा रहे हैं कि इनके पास कहां से आए हैं। इस क्रम में इनसे पूछताछ की जा रही है। भागलपुर की सबौर प्रखंड में पटना सीआई एसडीआरएफ की टीम ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को किस तरह बचाया जाए और किस तरह अस्पताल लाया जाए, किस तरह उन्हें सांस देकर फिर से जीवित किया जाए, ऐसे कई पद्धतियों को बताया। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में लोग मोबाइल से सेल्फी लेने लगते हैं या फिर वीडियो बनाने लगते हैं। सबसे पहले रोगियों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना चाहिए, यही हमारी मानवता है। कार्यक्रम को लेकर सबौर प्रखंड के कई पदाधिकारी व पटना से आए एसडीआरएफ की टीम, भागलपुर एसडीआरएफ की टीम मौजूद थी। आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में फ्लड जोन है हमारा बिहार, तो हम यहाँ पे जो यहाँ की जनता है उनको अवेयर करने आए हैं कि अगर कोई फ्लड वगैरह होती है तो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनका क्या दायित्व होता है उसके बारे में हमारे रेस्क्यूअर ने उनको बताया कि कैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ब्लड को कैसे कंट्रोल किया जाए, या फिर कोई अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको कैसे CPR वगैरह